नहीं देखी हुणी कदे अजही रामलीला जिते सारे पात्र निभाउंदियां ने महिलावां, चाहे राम होवे चाहे रावण दा किरदार, हर पात्र नूं महिलावां वल्लों जांदा खेडिया। बचपन में सभी रामलीला देखने जाते हैं और बचपन क्या, जब तक आप जीते हैं तो कहीं ना कहीं रामलीला के साथ अटैच रहते हैं। और एक दौर वो था जब टीवी के आगे पूरी दुनिया रविवार को थम जाया करती थी, घर घर में रामायण देखी जाती थी। रामायण और रामलीला एक दूसरे के पूरक हैं। रामलीला हरे गली मोहल्ले कस्बे शहर पूरे भारत में यहाँ तक कि बाहर भी होती है, लेकिन हम आपको जो रामलीला दिखाने जा रहे हैं या बताएंगे वो अलग है। अलग क्यों वो भी आपको बताएंगे, और किस तरह से ये अलग हुई, किस तरह से वो प्रयोग बना उसके बारे में बताएंगे। मैं इस समय जीरकपुर में पीर मुछल्ला जो एक जगह है पंचकुला के पास, वहां पर मौजूद हूँ। और यहाँ पर जो मेरे पीछे आप ये देख रहे हैं महिलाओं का समूह, ये कोई आम नहीं है, बिल्कुल खास है, क्योंकि ये रामलीला के वो पात्र हैं जिनमें कोई भी मेल नहीं है, सभी फीमेल हैं। जी आपने सही सुना, सभी पात्र जो हैं यहाँ पर महिलाएं ही निभाती हैं। एक बार जरा जय श्री राम का नारा हो जाए तो उससे शुरुआत करते हैं। पहले जो असिस्टेंट डायरेक्टर हैं, क्योंकि डायरेक्टर जो होता है मूवी का वो अपने पात्रों को डायरेक्ट करता है, असिस्टेंट डायरेक्टर का रोल इनके पास है। अपर्णा जी, हाँ। अपर्णा जी, ये प्रयोग है कि महिलाएं ही सभी पात्र निभाती हैं, ये हाँ। कब आया, कब से शुरू किया? ये इनका तीसरा इस बार का हमारा ये जो प्रोग्राम है, ये थर्ड टाइम इस बार हो रहा है। और ये बेसिकली ये जो सोच है वो जहाँ से आई है वो है एकता नागपाल जी, जो हमारे ऑर्गेनाइजर हैं, जो जिन्होंने सब कुछ ये प्रयास किया है और जिनके कारण ये सब हो पाया है। तो 3 साल पहले उनकी सोच, एक क्रांति आई, एक सोच आई कि कोई ना ऐसा कुछ किया जाए कि महिलाएं रामलीला में भी आगे आएं, तो उनके कारण ही ये चीज पॉसिबल हो पाई। और सोसाइटी आप सभी लोग मिले और ये शुरुआत हुई, ये शुरुआत हुई। अच्छा, आपके राम हनुमान जी लक्ष्मण जी कहाँ कहाँ बता दीजिए। हाँ जी, मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाती हूँ। ये हमारे राम जी हैं और ये हमारे लक्ष्मण जी हैं और ये हमारे हनुमान जी हैं, ये हमारी सीता जी हैं। मैं चाहूंगी आप इनसे बात करें। बिल्कुल, मैं हाँ। सभी से बात करने की कोशिश करूंगा। देखिए, राम जी ने जो है धनुष पकड़ा हुआ है हाथ में, लक्ष्मण जी ने, हनुमान जी का पास गदा है। तो आपसे शुरुआत करूंगा, जब आप रिहर्सल करने आती हैं तो वाकई किरदार में ढलना पड़ता है, तो घर में भी जाके रहते हैं कि आप अपने उसमें राम के रोल में, यहाँ पर आपको लगता है कि नहीं एक पूरा रोल निभाना है मुझे? पहली बात तो यहाँ एंट्री होते ही मैं राम के रूप में आ जाती हूँ। बाकी सारे कैरेक्टर मुझे उस रूप में देखे ना देखे, बट मैं हर कैरेक्टर से उसी रूप में बात करती हूँ। अगर ये सीता है तो मैं सीते कह के ही से बुलाती हूँ, ये मेरा भाई लक्ष्मण है तो मैं इसको लक्ष्मण ही कह के बुलाती हूँ। और मैं हमेशा रोल में रहती हूँ, बल्कि सीता मुस्कुराती भी है कि ये कभी रोल से बाहर नहीं आती हैं। घर में थोड़ा सा चूंकि मातृत्व का आ जाता है तो थोड़ा मेरा वहाँ चेंज हो जाता है, बट यहाँ मैं फुल ऑन हमेशा रोल में रहती हूँ। कैसे ख्याल आया और राम का रोल आपको कैसे मिला? सच बताऊँ तो ये मेरे लिए बहुत राम जी की कृपा है। मैं इसमें सिर्फ छोटा सा किरदार निभाने आई थी, क्योंकि जब रामलीला करने का हमने ठाना था ना, तो मैं थी, एकता जी थी, हमारा छोटा भाई लक्ष्मण था। तो जब डिसाइड किया तब ये होता कि हम फील्ड का वर्क देखेंगे, हमें इसमें इन नहीं होना है। तो ऐसे मेरे मन में ख्याल आया कि यार छोटा सा रोल तो कर ही सकती हूँ, करने तो आई थी छोटा सा रोल, पर गुरु जी की नजर ऐसी पड़ी हाँ कि उन्होंने मुझे मेन रोल में ले लिया। और वो दिन है और आज का दिन है, सभी मुझे बहुत प्यार करते हैं और सब यहाँ मतलब मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। मैं सबको उसी नजरिए से देखती हूँ जिसमें गुरु जी ने मुझे डाल दिया कि ये तुम्हारे गुरु जी हैं, ये तुम्हारा मित्र है, ये तुम्हारा, सबको उसी नजर से। परिवार की सपोर्ट मिलती है तभी ये चीजें हो पाती हैं। फुल ऑन मेरे बच्चों का बहुत सपोर्ट है मेरे। अगर महिला एक घर से बाहर निकल रही है, खासकर विवाहित होने के बाद, तो उसमें पति का बहुत बड़ा सपोर्ट है, वरना उनके सपोर्ट के बिना हम यहाँ नहीं खड़े होते। मेरे बच्चे 9th में हैं, 6th में हैं, उनका सपोर्ट है तभी तो मैं यहाँ खड़ी हूँ। लक्ष्मण जी की बात करें, क्या नाम है आपका? सुनीता। सुनीता जी, आप और राम की जो, मुझे लगता है पूरी सोसाइटी में फेमस तो हो, नेचुरली राम और लक्ष्मण की जोड़ी ऐसी होती है। सोसाइटी में नहीं, मेरी जो वहाँ की सोसाइटी, यहाँ की तो बात छोड़ दीजिए, हम वहाँ पे भी फेमस है देवरानी जेठानी के नाम से। हमारे प्यार को सब यही कहते हैं कि टच उड नजर न लगे तुम दोनों की, हमारी अंडरस्टैंडिंग इतनी अच्छी है, माइंड ब्लोइंग। तो आपको जैसे अब रोल करना पड़ता है, जो डायलॉग होते हैं वो याद तो आपको होते होंगे, है ना? जैसे मैंने कहा कि किरदार में ढलना पड़ता है, तो जब आप आ जाते हैं रिहर्सल 2-3 घंटे चलती है तो वो एक माहौल अलग हो जाता है। बिल्कुल अलग होता है। मैं तो उतना एग्रेसिव हूँ नहीं जितना लक्ष्मण जी हैं, मुझे बनना पड़ता है यहाँ पे आके, क्योंकि मेरा नेचर इतना ऐसा है नहीं, मैं बहुत सॉफ्ट नेचर की हूँ।
बट वो किरदार निभाने के लिए मुझे वो ढलना पड़ता है, वो करना पड़ता है, अग्रेसिवपन दिखाना पड़ता है। दोस्त कहते हैं लड़ झगड़ के आया करो ताकि गुस्सा दिखे, तो बस वही कोशिश कर रही हूँ। बिल्कुल, हनुमान जी भी देखे विराजमान है गदा लेके। क्या नाम है आपका? नमस्कार, मेरा नाम जानवी नागपाल है। अच्छा, तो आप, हम देख रहे थे बिल्कुल डायलॉग में और कैरेक्टर में ढलना, अंदर का आर्टिस्ट जागता। कभी पहले कभी स्कूल में प्ले वगैरह करते थे? स्कूल में तो कर रहे हैं। अच्छा, हनुमान का रोल आपने मांग के लिया? नहीं, मेरे को दिया दिया गया जी। अच्छा। और मुश्किल तो था ही, लाइक कैसे उनकी चाल होती है, कैसे वो बोलते हैं, कैसे वो मुस्कुराते हैं, तो वो सबको फॉलो करना बहुत मुश्किल था, बट कैसे ना कैसे करके करा है, मेहनत करके। बिल्कुल। अपर्णा जी, और आप, आपके किस किस को क्या रोल दिया गया बताती रहिए। हमारे मेघनाथ जी हैं। अच्छा, ये मेघनाथ जी हैं, देखो यही प्ले कर रहे हैं, तलवार लेके खड़े हैं जी मेघनाथ जी। क्या नाम है आप? मेरा नाम अनुषा है। अनुषा जी, जैसे मैंने कहा कि सबको एक एक रोल दिया गया, जब आपको कहा गया आप तैयार हो गए क्या मुझे मेघनाथ? हाँ जी, आई लव दिस रोल। मेरे को ये रोल, इवन मेरा इंद्र का भी रोल है। अच्छा। मेरे पास कौशल्या का भी रोल है और मेघनाथ का भी रोल है, तो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं अपने रोल। अपने कैरेक्टर में आप खुश हैं? हाँ जी, आई एम वेरी हैप्पी। सीता जी आप यहाँ खड़े हैं, एक इम्पोर्टेंट रोल है सीता का रोल, नेचुरली हम देखते हैं रामलीला में के, क्योंकि कहानी मेन राम सीता लक्ष्मण, तो इस रोल को निभाते हुए आपको क्या लगता है? सीता का रोल बहुत स्ट्रांग है बट इमोशनल भी है, तो मतलब मेरे बहुत सारे सीन्स इमोशनल और स्ट्रांग, अपने आप को एज अ स्ट्रांग वुमेन दिखाना पड़ता है। जैसे हमारा ये ऑर्गेनाइजेशन है कि वुमेन की एम्पावरमेंट को दिखाते हैं, तो सीता वाज आल्सो पार्ट ऑफ इट, कि वो वुमेन एम्पावरमेंट को दिखाती है कि वो भी एक बहुत स्ट्रांग लेडी है, तो बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि पूरी ऑर्गेनाइजेशन को एज अ वुमेन रिप्रेजेंट करना, वो भी इतनी बड़ी गॉडेस को, तो एक बहुत मतलब ऑनर्ड फील होता है। बिल्कुल, जिस तरह आपने कहा कि मुझे अपने रोल से प्यार है, एग्रेशन भी चाहिए, लक्ष्मण का अलग रोल है, उनको भी एग्रेशन चाहिए, आपको भी एग्रेशन चाहिए, तो एग्रेशन यहीं छोड़ के जाते हो, घर में भी रहता है? मुझे लगता है जिंदगी में कभी कभी एग्रेशन होना भी चाहिए, लेकिन एक सीमा में होना चाहिए, तो उस सीमा को रखने के लिए फिर मैंने कौशल्या का रोल भी लिया हुआ, ताकि थोड़ा सा बैलेंस रहे। एक बार दिखाएंगे जरा तलवार निकाल के ये, क्योंकि रोल में जब आप आते हैं तो एग्रेशन के साथ, वाकई ये एग्रेशन बहुत जरूरी है इस समय, वाकई आपके लग रहा है कि आप रोल में आ गए। जी जी जी, बिल्कुल। पढ़ना जी, और आप बताइए इम्पोर्टेंट, क्योंकि कुंभकर्ण जी और परशुराम जी का किरदार निभाया। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विन्नी गोठंकर है। अच्छा। और मैं परशुराम, कुंभकर्ण और जनक के गुरुदेव का रोल। तीन रोल जी। सबसे अच्छा कौन सा इसमें? कुंभकर्ण? कुंभकर्ण भी अच्छा है, परशुराम भी अच्छा है। तो जब आपको बताया गया तैयार हो गए आपके, नहीं नहीं कुंभकर्ण के रोल में नहीं, या कुछ? नहीं नहीं, मैं तैयार थी, मैं पिछले साल से तैयार थी। फेवरेट आपका इसमें रोल ही ऐसा है कि कुंभकर्ण के रोल में अच्छी लगूंगी। एक जरा डायलॉग बोल के दिखाएंगे कुंभकर्ण के रोल। अरे भाई, तू क्यों घबराता है, देख अब रण में शत्रुओं का काल जाता है। वाकई ये बहुत अच्छी है, और जब कोई रोल करता है तो उसके रोल में ढलना पड़ता है। जी बिल्कुल। तो कई बार ये भी होता है कि नहीं ये रोल नहीं था, लेकिन आपको कॉन्फिडेंस आया कि नहीं इसको अच्छे तरीके से मैं ही शायद कर सकती हूं। जी बिल्कुल, क्योंकि मेरा फेवरेट काम है खाना पीना सोना। ये अच्छा था, तो आपको सूट कर गया। हाँ बिल्कुल जी। बढ़े आगे आप बताते रहिए। ताड़का जी हैं। अच्छा जी, क्या मैम आपका नाम? सुनीता राणा। सुनीता जी, डिफरेंट डिफरेंट रोल सबको दिए गए हैं, ये कोई पहले से डिसाइडेड था कि इनको यही रोल देना है? नहीं, मैंने पिछले साल भी गुरुजी ने मेरे को जबरदस्ती दिया था। अच्छा। कहते आप नहीं करना है, मैंने कहा गुरुजी मेरे से नहीं हो पाएगा, पर वो अच्छा गया था, तो अब की बार भी गुरुजी ने मेरे को वही दिया, मैंने गुरुजी पे सौंप दिया था भी जो आप देना चाहते हो वो दे दो। हालांकि ये ऐसे नाम है जिनके बिना ये कम्प्लीट भी नहीं होती रामलीला, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज है, तो कोई एक आप डायलॉग जैसे बोल के दिखाएंगे जरा। ताड़का हूँ मैं, ताड़का तड़ तड़ ताड़ करती हूँ, तुम जैसे ऋषियों को खाकर अपना पेट भरती हूँ। तालियां हो जाए, देखिए बहुत अच्छा एग्रेशन है। मुझे लगता है इन लोगों ने तो जो मंझे हुए कलाकार हैं शायद उनको पीछे छोड़ दिया है, प्रैक्टिस की बहुत जरूरत होती है। चीज़ पिछले साल की थी, अब की साल मैंने इतनी प्रैक्टिस नहीं की, अभी कर रहे हैं। थोड़ी तबीयत खराब थी इस वजह से। और कौन कौन आपके आप बता दें? वाकई, क्या नाम है आपका? सविता। जी, आपको रोल मैंने सभी से पूछ रहा हूँ, ये फेवरेट रोल है आपका जब दिया गया? वैसे मुझे बेसिकली मंथरा का मिला है, तो उसमें मतलब नारद जी का दिया साथ में। हाँ, नारद जी का। तो घर में भी नारायण नारायण करते थे? बिल्कुल, ऑफ कोर्स। एक बार नारायण नारायण। अच्छा, ये शुभ समाचार अब मैं देवों के देव महादेव को सुनाऊंगा,
फिर सुनकर अति प्रसन्न होंगे। नारायण नारायण। दादा जी के साथ साथ मंथरा जी का किरदार भी प्ले कर दिया। और इसके अलावा ये हमारी मंदोदरी जी है। अच्छा, और ये हमारी सरस्वती माँ है। अच्छा, ये शत्रुघ्न का पार्ट प्ले। अच्छा, शत्रुघ्न से शुरू करते हैं। शत्रुघ्न जी, क्या नाम है आपका? रितु, रितु सरदाना नाम है मेरा। मैं शत्रुघ्न का रोल प्ले कर रही हूँ इसमें, रामलीला में। पहली बार जुड़ी हूँ मैं इससे। बचपन में मैं सोचती थी जब रामलीला देखने जाती थी कि काश मुझे भी मौका मिलता, मैं कभी रामलीला कर पाती, लड़कियों को क्यों नहीं लिया जाता। तो जब मैंने इन लोगों के वो पढ़े, बैनर लगे हुए थे कि महिलाओं की रामलीला है और आप ऑडिशन देने आ सकते हो, तो मैं भागी भागी ऑडिशन देने गई और मुझे शत्रुघ्न का रोल मिला। क्या बोला था आपने डायलॉग में जब आपको कहा गया ऑडिशन के लिए? ऑडिशन में मुझसे वीर रस का डायलॉग सुना गया था। जरा वो वाला डायलॉग तो कुछ भी एक लाइन जो आपको लगे। अच्छा, कुछ भी आपको लगे। ठीक है, शत्रुघ्न का सुना देती हूँ। निसंदेह भैया जी, चारों ओर अपशगुन ही अपशगुन होते जा रहे हैं, जो किसी भारी घटना का पता बता रहे हैं। थैंक यू। तो जी हाँ जी, मंत्रा जी जब आती हैं तो शत्रुघ्न को गुस्सा आ जाता है। गुस्सा करते थे शत्रुघ्न, तो शत्रुघ्न बोलते हैं, अरे ओ दुष्ट राक्षसी, तूने ही इस वंश का नाश कराया है, तूने ही श्री राम को वन भिजवाया है, सत्यानाश हो जाए तेरा। थैंक यू। ओके, आपकी रामलीला देख के मुझे लगता है आना चाहिए लोगों को। और कोई इम्पोर्टेंट रोल रह गया हो किसी का जो आपने डिसाइड किया हो कि ये रोल इनको चाहिए? ये हमारे ऋषि वाल्मीकि जी हैं। अच्छा अच्छा, ये हमारी माता पार्वती सरस्वती। अच्छा, एक होता है कि जो पर्दे के पीछे भी एक इम्पोर्टेंट चीज होती है कि वो टीम कहाँ है आपकी जो सपोर्ट करते हैं, डायलॉग डिलीवरी कैसे करनी है या लिखना बताना? लिखना बताना तो हमारे पास, हमारा ये लाइट एंड साउंड प्ले है। अच्छा। तो हमारे पास रिकॉर्डेड ऑलरेडी है, रिकॉर्डिंग हमने खुद बैठ के की है, तो उसी पे ही प्रैक्टिस होती है, वही चलता है जो हमारे पास आता है लाइट एंड साउंड प्ले। हम डिजिटल मार्केट में है, तो आज डिजिटलाइजेशन में है, तो आज की ऑडियंस को कैटर करने के लिए हमारा ये प्रयास है। तो जैसे भी अभी समय है तो कितने दिन तक ये शुरू पहले हो जाता है आपकी रिहर्सल और कब तक चलती है? ये ऑडिशंस हुए थे 25 अगस्त से लेकर 30 अगस्त तक ऑडिशंस चले हैं। 1 सितंबर से हमारी रिहर्सल शुरू होगी, नॉन स्टॉप चल रही है। रोजाना आप करते हैं? हाँ जी हाँ जी, डेली। कितने घंटे? 2-3 आवर्स। अब डे टाइम और भी बढ़ गया है, तो अब तो 6-7 आवर्स। और साइड बाय साइड और भी काम चलता रहता है, कॉस्ट्यूम्स का, प्रॉप्स का। ये देखिए, यहीं पे सारे प्रॉप्स बनाए हुए हैं ऑडियंस, ये हम सारे मिलके ही प्रॉप्स बनाते हैं। अच्छी बात है। और वाकई देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग लगा कि महिलाएं हर क्षेत्र में आगे हैं, लेकिन एक जो कसर मुझे लगता है रामलीला की रह गई थी कि जहां पे मेल ही होते हैं, कई फीमेल पात्र भी होते हैं, लेकिन अब पूरी तरह से ऐसी रामलीला है जहां पर महिलाएं ही हर पात्र को निभा रही हैं और बड़े जोश खरोश के साथ। तो एक बार आपका जोश फिर से मैं कहूंगा, जरा देख के बनता है और इसी के साथ खत्म करेंगे। जी जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। तो ये रामलीला है, इसकी रिहर्सल चलती है यहाँ पर, और पहली ऐसी रामलीला जहां पर महिलाएं हर एक पात्र निभाती हैं, गृहिणी हैं, माता हैं, बहनें हैं, ये अपने अपना रोल बखूबी निभा रही हैं। देखने जरूर आइए अगर आपको समय मिले तो। वीडियो जर्नलिस्ट विनोद के साथ उमेश शर्मा, न्यूज 18 जीरो।